अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ आज के आप इंस्टेंट ग्लो अपने फेस पर किस तरीके से ला सकते हैं फेयर एंड लवली और लेमन की मदद से। कि अगर आपका ब्लीच नहीं किया हुआ, आपने ज़्यादातर लोग ब्लीच नहीं भी करते, और अगर आपने फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ और अचानक से कोई इवेंट है, शाम में जाना है आपको, फ़ौरन आपको ग्लो चाहिए अपने फेस पे, तो उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट है इसका, लेमन और फेयर एंड लवली की मदद से आप अपनी स्किन पे फेशियल वाला ग्लो, ब्लीच वाली शाइनिंग होती है वो आप अपने फेस पे ला सकते हैं इंस्टेंटली। तो इसके लिए हमें चाहिए दो ही चीज़ें, लेमन एंड फेयर एंड लवली, जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होती है ज़्यादातर। तो आप इसका इस्तेमाल करें और जब जब आपको कहीं भी जाना हो, आपको ग्लो चाहिए, आप इसका इस्तेमाल कर लिया करें। इसको लगा लें आप और इसको 20 मिनट बाद आप वॉश कर लें और आप देखें आपके फेस पे जो है इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा और शाइनिंग आ जाएगी फेस पे। तो हमने करना ये है कि हमने सबसे पहले फेयर एंड लवली लेनी है, और फेयर एंड लवली ये वाली हमने यूज़ करनी है, पिंक वाली, ठीक है। हमने लेनी है फेयर एंड लवली एक स्पून, ठीक है, एक चम्मच ले लें, हाफ ले लें, जितना आपके फेस पे आपको लगाना है उतनी आप यूज़ कर लें, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया है हाफ स्पून, ठीक है, हाफ स्पून हमने फेयर एंड लवली यूज़ की है, और उसके साथ मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी इस तरीके से। ये लेमन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये जब हम लेमन ऐड करेंगे तो फेयर एंड लवली फट सी जाएगी, जैसे दूध फट जाता है। इसको हम फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें हाफ लेमन ऐड किया है, आप जितनी भी क्रीम लेंगे आपने लेमन सिर्फ हाफ ही ऐड करना है, और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये जब इस तरीके की शक्ल इसकी आ जाए, इसका मतलब है कि रेडी हो चुका है पेस्ट। आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें, नेक पे अप्लाई करें, और आप 20 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर लें। उसके बाद आप लोग देखिएगा आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगी। अगर आप कहीं जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने फेशियल करवाया है अभी अभी, तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।